नीमच शहर में आज सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ का पवित्र त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस तारतम्य में सिख समाज की सुहागिन महिलाओं ने आज बंगला नंबर 39 पर करवा चौथ के त्योहार पर एक विशेष आयोजन किया, जिसमें करीब 45 महिलाएं सम्मिलित हुई। इन्होंने गोलाकार में बैठकर पूजा अर्चना की, सूर्य को अर्घ्य दिया और थाली बजाई। इससे पूर्व सिख समाज के महिला सखियों ने आपस में मिलकर गेम खेले। 16 वर्षों से सिख समाज की महिलाओं द्वारा यह आयोजन निरंतरता से किया जा रहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि करवा चौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार कर व्रत रख निर्जल रहकर अपने सुहाग की दीर्घायु की प्रार्थना करती है। आज चंद्रमा की रोशनी में चलनी में अपने पति का मुख देख उनके हाथों से करवे से जल ग्रहण कर महिलाएं व्रत खोलेंगी। बताते चलें कि सुबह सुहागिन महिलाओं ने अपने सासू माँ के हाथों स्वर्गी ग्रहण कर व्रत रखा। पर्व मनाया जा रहा है, सभी ने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सुबह से ही व्रत रखा है। सुबह सबसे पहले हम लोग सर्गी करते हैं, उसके बाद बिना कुछ खाए पिए व्रत रखते हैं और शाम के समय सभी सिख समाज की सखियां एक साथ मिलकर एक स्थान पर पूजा करते हैं और शाम को फिर चंद्रमा को लेकर अपना व्रत खोलते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। 16 साल से यहाँ पर कंटिन्यू पूजा हो रही है। 35 अप्रॉक्स और सभी मतलब सिख समाज की सभी महिलाएं और अन्य समाज की भी रहते हैं उपस्थित और सभी एक साथ गोले आकार में बैठते हैं और अपनी थालियों को घुमाते हैं। इससे पहले कुछ गेम्स रखते हैं अलग अलग टाइप के, जिससे सबका समय व्यतीत होता है और मनोरंजन भी हो जाता है। यहाँ पर 16 साल से बहुत सारी लेडीज़ मिलकर 35 लेडीज़ हो जाती हैं हर बार। ये पति की लंबी उम्र के लिए ये पास किया जाता है। यहाँ पर पहले गेम्स वगैरह होते हैं, ये जो गेम्स की जो मेन लीडर यह बहुत अच्छे से गेम खिलाती हैं, उसके बाद पूजा करते हैं हम, थाली बटाते हैं, उसके बाद सूरज को अर्घ देकर उसके बाद घर जाते हैं और शाम को चांद को देखकर अपना व्रत खोलते हैं। व्रत खोलने के बाद ही हम लोग कुछ भी अपने हस्बैंड की हमारा जो हस्बैंड है वो हमें व्रत खुलवाता है, मीठा मुँह लगवा के पानी, उसके बाद ही हमारा व्रत टूटता है। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।